स्वागत है। तो जो भी स्टूडेंट्स हिंदी साहित्य से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे नेट, JRF, TGT, PGT, PSD, अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो सभी के लिए ये चैनल बहुत ही यूजफुल है। तो आज हम करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो हमारी फर्स्ट यूनिट है हिंदी भाषा और उसका विकास। ये जो सारे क्वेश्चन हैं, ये हमारे PYQs हैं। PYQs करना फ्रेंड्स बहुत ही ज़रूरी है। इससे हमें एक तो ये पता चलता है कि कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है और कौन सा नहीं, और एक एग्ज़ाम का पैटर्न भी हमें पता चलता है। तो PYQ सोल्व करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है। संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ भाषा की राजभाषा घोषित किया गया है? तो A 347, B 348, C 343 और D है इसका 345। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा C 343। और जो ये इस तरह के क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हो बहुत बार रिपीट हुए हैं, तो आप इन्हें ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में ढली कब ढली? 1880 में, B 1857 में, C 1873 में, D 1860 में। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा C 1873 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख है? ये प्रावधान है यहाँ पर A 343 से 351 तक, B 434 से 315 तक, C है 443 से 135 तक, D है 334 से 135 तक। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा A 343 से 351 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सघोष महाप्राण ध्वनि है? A, K, B, T, C, J, D है ठ। तो इसमें जो सघोष महाप्राण ध्वनि कौन सी है? और फ्रेंड्स एक बात मैं आपको बता दूं, जो ये सघोष है, महाप्राण, अलप प्राण, इनमें इससे बहुत क्वेश्चन हमारे बनते हैं। और ये क्वेश्चन मान लो एक क्वेश्चन भी हमारा आता है, तो अगर हम इनको अच्छी तरीके से सीख लेते हैं तो 2 नंबर हमारे ये पक्के हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा फ्रेंड्स D ठ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? A, A, B, E, C, D, E और D, A। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा A, A। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या है, कौन सा है? यानी जो हमारी हिंदी भाषा है उसका सही जो अनुक्रम है वो कौन सा है? सबसे पहले A, पाली, प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, B है प्राकृत अपभ्रंश हिंदी और पाली, C है अपभ्रंश पाली प्राकृत हिंदी, D है हिंदी पाली अपभ्रंश और प्राकृत। तो जो हमारा हिंदी है उसका सही अनुक्रम क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा A, सबसे पहले पाली प्राकृत अपभ्रंश और उसके बाद आई है लास्ट में हिंदी। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, आप इसे ज़रूर ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्णों को उनके ध्वनि गुणों के साथ सुमिलित कीजिए। ए, ये मिलान का क्वेश्चन है, A, K, B, K और इस साइड सघोष है घोष दिए गए हैं, C है घोष अलप प्राण और घोष अलप प्राण सघोष अनुमानसिक। तो इसका जो हमारा सातवें का राइट ऑप्शन होगा वो होगा फ्रेंड्स हमारा A। और इस तरह के जो ये मिलान वाले क्वेश्चन हैं, ये भी हमारे कई पूछे जाते हैं। पहले तो ये बहुत पूछे जाते थे, लेकिन अब जो एग्ज़ाम का पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है, तो ये जो 7-8 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा A। और ये बहुत ही ईजी है, अगर आपको 2 का भी आंसर पता है तो वो आपका क्वेश्चन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित हिंदी के भाषाविदों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। A है कामता प्रसाद गुरु
फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट इसका ऑप्शन है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, सी किशोरीदास वाजपेयी, दूसरा है हिंदी व्याकरण, सी उदय नारायण तिवारी, तीसरा भाषा और समाज रामविलास शर्मा, हिंदी शब्दानुशासन। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स आठवें का वो होगा हमारा बी। तो इस तरह ये आप मिलान देख लीजिए, और मिलान के क्वेश्चन से ये भी फायदा है कि इसमें ये चार क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं। अगर आप इनको अच्छी तरीके से कर सकते हो तो आपके ये चार क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है, ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी तमिलनाडु या डी छोटा नागपुर। तो मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा डी छोटा नागपुर। तो फ्रेंड्स आज हमने जो हमारी फर्स्ट यूनिट है हिंदी भाषा और उसका विकास, इसके हमने 9 PYQs किए हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस चैनल पर मैं पेपर वन और पेपर टू हिंदी साहित्य की तैयारी करवाती हूँ, तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़े, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में इसे शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद जय भारत।